हेलो दोस्तों, मैं सुजीत कुमार, एडवांस एक्सेल ट्रेनिंग सेंटर आईपीटेक्स स्कूल से आपका स्वागत करता हूँ हमारे इस वीडियो ट्यूटोरियल में। कस्टम फॉर्मेटिंग में लास्ट क्लास में हमने आपके साथ बात की थी इफ फॉर्मूले की। लॉजिकल ऑपरेशन में हमने आपको बताया था इफ के साथ हमने बताया था एंड के और बताया था। अब हम बात करते हैं नेस्टेड इफ की। नेस्टेड इफ, जैसे मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि अगर क्वांटिटी अगर लेस देन 50 हुआ तो 500, 50 टू 80 हुआ तो 800, और ग्रेटर देन 80 हुआ तो 1000। सिंपल सा मेथड हम इस पर जान चाहते हैं। चलिए कस्टम में आते हैं। कस्टम में आने के बाद यहाँ हम लगाते हैं अपना फॉर्मूला। यहाँ पे मैं देता हूँ INC इंसेंटिव, और यहाँ पे इफ दिया। इफ हमने बोला कि क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 50, देन यहाँ पे हमने लिख दिया 500। फिर एल्स में फिर यहाँ इफ लगाएंगे कि इफ यहाँ पे अगेन देते हैं क्वांटिटी इज लेस देन इक्वल टू 80, देन रिजल्ट 800। फिर येल्स यहाँ पे 1000। तो ये हमने क्या रिजल्ट दिया, हमने दिया क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 50 तो देन 500, एल्स इफ क्वांटिटी लेस देन इक्वल टू 80 तो 800, एल्स 1000। इस तरह की जो मल्टीपल कंडीशंस है वो इसमें आप लगा सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे ओके करूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ओके आ गया। तो इसमें आप नेस्टेड इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जी हाँ, नेस्टेड इफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब जैसे मान लीजिए कि नाम पूजा है, और पूजा होने के बाद फिर दिल्ली है, और दिल्ली में एक्सेल है, मतलब कि पूजा ने न्यू दिल्ली के अंदर एक्सेल कोर्स के अंदर ग्रेटर देन 50 का सेल किया है, तो उनको मैं 5000 के एडिशनल इंसेंटिव दूंगा। अब कई सारे कंडीशंस है और कंडीशंस रिक्वायर्ड है, और क्या मतलब एल्स वाला नहीं है, नॉर्मली क्या है ये आपका कंडीशन वाला है। अब इतना लंबा कंडीशन दिक्कत होगी, तो 1 by 1 करते हैं। यहाँ पर हमने लिखा कि इफ नेम इक्वल टू पूजा, देन अब यहां पे देन के जगह पे हम एंड भी लगा सकते हैं कि पूजा होना चाहिए एंड। हमने यहां पे दिखा कि सिटी इक्वल टू दिल्ली, फिर एंड हमने कोर्स इक्वल टू एक्सेल, और एंड क्वांटिटी इज ग्रेटर देन 50 देन 5000, एल्स 0, और यहाँ पे ADDINC एडिशनल इंसेंटिव कर देता हूँ, एंड ओके कीजिए। तो यहाँ आप देखेंगे यहाँ पे एडिशनल सेंटीमीटर रिजल्ट, बट ये जीरो क्यों आया। सबसे बड़ी बात यहाँ पे बात ये है कि जीरो क्यों आया, यहाँ पे 5000 होना चाहिए था ना। अगर मैं यहाँ पे देखूँ किसी का 5000 नहीं, किसी का 5000 नहीं। रीजन है केस सेंसिटिव। जी हाँ, केस सेंसिटिव। पूजा का पी हमारा छोटा है, तो यहाँ हम पूजा को पी कैपिटल लेटर में करके एंटरप्रेस करते हैं। अब यहाँ हम देखते हैं यहाँ पे 5000 हो गए, तो यहाँ पे क्या है, केस सेंसिटिव होता है, इसका ध्यान रखिएगा। यहाँ क्या होता है, केस सेंसिटिव होता है, एग्जैक्ट होना चाहिए। केस दिक्कत आ गया है, प्रॉब्लम बना, अपर लोअर हम लोग कर सकते हैं इसके लिए। तो पावर क्यूरी बिल्कुल VVA प्रोग्रामिंग की तरह वर्क करती है, क्योंकि VVA में भी आपका जो है कम होता है। अब प्रॉब्लम यह है कि हमने एंड लगा लिया क्योंकि हमारे पास रिजल्ट सेम था। अगर मैं बोलूं कि अगर पूजा आया
और बाकी दिल्ली सिटी में दिल्ली नहीं आया, कुछ और दिल्ली के अलावा कुछ और है, तो 100। अगर सिटी पूजा है और सिटी दिल्ली है तो 500। तो इस तरह की जो कैलकुलेशन होगी उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ कस्टम में आएंगे, कस्टम, और यहाँ हम देंगे फॉर्मूला एफ का, कस्टम एफ, यहाँ पे आई एफ कर दिए, और यहाँ लगाएंगे फॉर्मूला कि एफ नेम, सॉरी मैनुअली सिलेक्ट नहीं करना, नेम इक्वल टू पी बराबर सी पूजा, पूजा, और यहाँ पे हम देते हैं डैम, फिर अगेन एक इफ लगाएंगे कि इफ सिटी इक्वल टू दिल्ली डैम क्या होना चाहिए, मान लीजिए कि 1000 के इंसेंटिव होना चाहिए, फिर एल्स, क्योंकि ए दो इफ है, दो एल्स लगेगा, एल्स जीरो, मतलब अगर यहाँ पे नेम पूजा है बट दिल्ली सिटी नहीं है तो जीरो नहीं, यहाँ पे मैं 100 कर देता हूँ। अगर पूजा तो पूजा नहीं है, पूजा नहीं है, सिटी कोई और है तो 200, यहाँ पे एल्स 200, तो साइंटिक सही हो गया। देखिए ए एक बार समझ लीजिए, ए इफ लगा, इफ का कंडीशन ये रहा, और ट्रू पार्ट में हमने दूसरा इफ लगा लिया पूरा का पूरा, और फॉल्स पार्ट एल्स हमारा 200, फिर इसमें आपका ए इफ हो गया, एक कंडीशन हो गया, कंडीशन हो गया, और ट्रू पार्ट आपका 100 हो गया, और फॉल्स पार्ट आपका यहाँ पे एल्स हो गया। तो यहाँ पे इस तरह से इसका इस्तेमाल करते हैं। अब मैं यहाँ पे ओके करता हूँ, तो ओके करने के बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे 1000 200 200 1000 दिख गया। तो ये थी हमारी लॉजिकल ऑपरेशंस। लॉजिकल ऑपरेशंस हमारे यहाँ पे ख़त्म होता है। अगले वीडियोज में हम बात करेंगे टैक्स कैलकुलेशन की। थैंक यू।